नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रशांत यकीन और इस बार मैं आपको एक ऐसी लोकेशन पर लेकर जा रहा हूं जिसके बारे में अभी तक शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, हम बढ़ चले हैं रायपुर से बिलासपुर मार्ग होते हुए, अब हम पहुंच रहे हैं मुंगेली की तरफ और इस रोड पर हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पीपी ब्लॉग में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गिधवा में। गिधवा इन दोनों बहुत चर्चा में है। कल तक ना मुझे जानकारी थी गिधवा के बारे में, ना संभवतः आपको जानकारी होगी, लेकिन ये गांव इन दोनों बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी वजह है एशिया का पहला और छत्तीसगढ़ का भी पहला वर्ल्ड फेस्टिवल यानी कि पक्षी महोत्सव, जो कि 31 तारीख से 2 फरवरी तक यहाँ पर होने वाला है। इसलिए यह गाँव अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। तो अगर आपके पास समय मिले तो आप भी इस तारीख पर जरूर यहाँ पर पहुँचें। मैं अपने साथी त्रिलोचन मानिकपुरी के साथ रायपुर से हम सुबह यहाँ निकले और हम जो है यहाँ पहुँच चुके हैं ग्राम गिधवा में, और हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक गिधवा से जुड़ी हुई और ग्राम परसदा से जुड़ी हुई, क्योंकि दो जलाशय जो हैं ग्राम गिधवा में और ग्राम परसदा में, यहाँ के जलाशय जो हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी जो है पहुँच रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग ने यहाँ पर पक्षी महोत्सव के आयोजन का फैसला लिया है। तो हम चलते हैं ग्राम गिधवा में, जहाँ से पक्षियों के बारे में तमाम जानकारी और उनके वीडियोस, फोटोज़ अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गिधवा गांव। ये बहुत ही खूबसूरत और नेचर के बहुत करीब जो है ये इलाका है, और इस इलाके की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है वाटर बॉडी है, पानी भरा हुआ है, और पानी जो है पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी शांत है, और शांति का जो वातावरण है वह भी पक्षियों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है यहाँ पर, और यह जो है आने वाले दिनों में ख्याति प्राप्त जरूर करेगा, लेकिन ये पहला वर्ष है तो संभवतः बहुत कम लोगों को इस क्षेत्र के बारे में, इस जलाशय के बारे में और इस यहाँ पर आने वाले पक्षियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मैं अपने YouTube चैनल पीपी ब्लॉग के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको समय मिले, खासकर बताया जाता है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कि ठंड के आसपास का समय जो है वो काफ़ी मुफीद समय है यहाँ आने के लिए, तो आप यहाँ पर आएँ और इन पक्षियों का, अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो आपको ज़रूर जो है यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर आकर आप जो है पक्षियों से जो है रूबरू हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वन विभाग जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर गाइड भी रखेगा, ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके। ये गिधवा जो डैम है, जलाशय है, उसका पीछे वाला हिस्सा है जहाँ हम पैदल आ रहे हैं। अपनी गाड़ी को करीब 1 किलोमीटर पहले खड़ा करके इस रास्ते से हम लोग जो है गिधवा डैम के पीछे वाले हिस्से में पहुँचे हैं, ताकि बहुत नज़दीक से पंछियों को देखा जा सके। देखिएगा कितने खूबसूरत जो ये पंछी आपको नज़र आएंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंछियों तक हम पहुँचें। ये रास्ता बहुत स्केडी है, बहुत स्लिपी है, और यहाँ पर पैर अंदर गप रहा है, फिर भी हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं और त्रिलोचन, हम लोग जो काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं पंछियों के। बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पंछी जो है ज़रा सी मोमेंट से उड़ जाते हैं। हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड अनिल सेन भी हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। धीरे धीरे कह
कहते हैं सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, हाँ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, और वही हाँ। परिश्रम देखिए आपको दिख रहा होगा, हम लोग जिन पक्षियों को देखने के लिए, जिन तस्वीरों को कैद करने के लिए, जिनकी वीडियो बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ देखिए हम लोग तीन लोग एक गाड़ी में बैठे, ये गाँव पतला गाँव जो गिरवा से करीब करीब 5 मिनट तक दूरी पर है, हम लोग नजदीक पहुँच रहे हैं, और हमारे साथ दो फॉरेस्ट गार्ड अनिल जी और एक और अभी जो है मिले हैं हमको रास्ते में लक्ष्मण, और हम इन सबको लेकर जो है हम लोग बढ़ रहे हैं उस जलाशय की तरफ जहाँ पर हमें बहुत सारे पक्षी जो है मिल सकते हैं, और हम जो है वहाँ पर लगभग पहुँच गए हैं, करीब करीब पहुँच गए हैं। और ये पूरा इलाका आपको ऐसा लगता है जैसे किसी समुद्र तट के किनारे आ गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया जो है लोकेशन है। और त्रिलोचन जी कैसा लग रहा है आपको इस सफ़र में आने का आकर? मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, खासकर बहुत दिन बाद हम लोग, मेरे ख्याल से मैं करीब महीनों बाद शहर से निकला हूँ। आपका इंटरेस्ट भी है क्या इस प्रकार की फोटोग्राफी में? बहुत शौक बहुत है, लेकिन क्या है काम के चलते हम लोग नहीं जा पाते हैं, शहर में ही ज़्यादा हमारा जीवन गुजरने लगा, और गांव का आनंद भी नहीं ले पाते, और नेचुरल की चीज़ से तो दूरी हो गई है लगभग ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग जो है एकदम गांव के नज़दीक हैं, या फिर गांव में ही हैं, और एक गांव में जो जलाशय है उस जलाशय में जो है हम लोग पक्षियों को देखने पहुँचे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे पंछी, कलरफुल बर्ड्स, उनकी आवाज़ें वो सब इस कैमरे में कैद होगी और आप तक हम पहुंचाएंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद वर्मा। लक्ष्मण जी क्या नज़ारा है यहाँ पर, क्या दिखाने लाए हैं हमको? आपको यहाँ से पक्षी बर्ड बर्ड दिखाने के लाए हैं। हाँ, पूरा यहाँ बैठे हैं। कितने प्रकार के बर्ड्स होंगे यहाँ पे? यहाँ तो बहुत सारे प्रकार के हैं, बता रहे थे सर विशेषज्ञ जो 90 प्रकार का है, और 8-10 देश से आए हैं। बोल रहे थे परसदा जलाशय का ये कह सकते हैं बैक पॉइंट है, हम आपको बैक से फ्रंट की ओर लिए चलते हैं। और ये जलाशय जो है इसलिए बहुत मशहूर है और इन दिनों चर्चा में भी है क्योंकि वन विभाग परसदा और गिद्वा दो जगह जो हैं यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल यानी कि पक्षी महोत्सव करवाने जा रहा है। ये जलाशय की अब देखिए यहाँ से आपको पक्षियों की हल्की हल्की आवाज़ें और पक्षी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। कुछ पक्षी देखिए आप, ये जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे से पौधे हैं उन पौधों की डालों पर, टहनियों पर बैठे हुए हैं, और मैं आपको जो है इसका एक एक पॉइंट आप देखिएगा, जो मेड़ है यानी कि इस तालाब के बीच में जो खाली जगह है जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर बड़ी संख्या में हजारों हजार की संख्या में पक्षी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप ये जो पेड़ लगे हुए हैं बीच में, इन पेड़ों के नीचे देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पर जो है आपको पक्षी जो है वो दिखाई देंगे। इस जलाशय की खासियत ये भी है, ऐसा माना जाता है कि 2-3 साल पहले तक यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, इतने साल जो है काफ़ी पानी आया, और पानी ना रहने के समय पर यहाँ पर बड़ी संख्या में पौधे उगाए, और वो यही छोटे छोटे जो पौधे हैं वही इनके हैबिटेट का काम करते हैं, इनके प्रवास के लिए जो है मुफीद जगह बन गई है, तो इसलिए ये जगह जो है यहाँ पर इतनी संख्या में पक्षी जो है वो पहुँचे हुए हैं का। और यहाँ आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा क्योंकि आप जितने नेचर के करीब पहुँचते हैं आपको उतना ही अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पर आप आने की अगर योजना बनाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। 3 दिन का पक्षी महोत्सव है, इसको इन्जॉय करें, और ये पहला पक्षी महोत्सव है तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत को हमेशा जो है सराहना चाहिए। और मैं आपको कुछ और जानकारी भी यहाँ के एक्सपर्ट जो हैं उनके ज़रिए देने की कोशिश करूँगा ताकि हम उन पक्षियों की विशेषताओं के बारे में भी जान सकें जो यहाँ पर हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार, कैसे हो? भारत में पूरे सारे राज्यों में बर्ड फेस्टिवल कर रहे हैं लोग, तो हम क्यों पीछे रहे हैं? हम लोगों ने भी सोचा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए एक बर्ड फेस्टिवल, क्योंकि हमारे यहाँ भी बर्ड्स की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की। तो हमारा मतलब जो मेन उद्देश्य जो था कि बर्ड्स को हम संरक्षित भी करें, तो फेस्टिवल एक अच्छा माध्यम है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं इसको। हमारे यहाँ पे बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये हमारा ईस्ट एशियन फ्लाईवे जो है
तो इस फ्लाईवे में बहुत सी मतलब कंट्रीज से बर्ड्स आती हैं, जैसे यूरोप हो गया, मंगोलिया हो गया, रसिया हो गया, यहाँ से बर्ड्स आती है हमारे यहाँ पे हर। देखिए हम लोगों ने तो पूरे मतलब सारे राज्यों के लिए इस पोर्टल को खोल कर रखा हुआ है। गूगल ड्राइव हम गूगल फोरम में हम लोगों ने एक इसमें लिंक दिया हुआ है, अपने पोस्ट में हम लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं पूरे वीडियोज़ का व फोटोग्राफ का। तो अभी हमारे पास करीब करीब 9 राज्यों से एंट्रीज आ भी चुकी हैं और करीब 150 से 200 लोगों ने अभी एंट्री कर भी दी है। छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोगों ने ज़्यादा एंट्री कर लिया। देखिए स्कोप तो हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स की कमी नहीं है पहली बात तो, और जो गिधवा और परसदा जो है बेमेतरा दुर्ग जिले में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। कुछ वेटलैंड्स की हालत ख़राब है लेकिन कुछ वेटलैंड्स अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो संख्या देखने को मिल रही है यहाँ पे बर्ड्स की, जैसे कि नॉर्दर्न पिनटेल है, कॉमन टील है, ये सारी बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत सही लगता है ये, मतलब बहुत अच्छा उनके जो प्रवास के लिए बहुत अच्छी जगह है कि मतलब यहाँ पे उनके लिए खाना भी है, सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस महोत्सव काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ के लोग देखेंगे कि बाहर के लोगों में भी इतनी रुचि आ रही है ना, तो यहाँ के लोग खुद में खुद अवेयर होंगे और यहाँ इवन गाँव के लोग, हम लोग वही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के ज़रिए हम लोगों को समझाएं कि ये जो ये महोत्सव हो रहा है, इस महोत्सव के जरिए क्या हो सकता है बर्ड्स को लेकर, क्या हम क्या पा सकते हैं, क्या किस जगह को कैसे बना सकते हैं। पक्षी, अगर आप पक्षी प्रेमी हैं यानी कि बर्ड्स लवर हैं तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। मुझे उम्मीद है हमारे इस वीडियो के ज़रिए आपने उन तमाम पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की होगी जो कि यहाँ पर प्रवास के दौरान पहुँचे हुए हैं। यहाँ 150 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।